श्री राम समर्थ मैं 17 मैं भगवान का हूँ इसका अखंड भान रखे। हमें कुछ चाहिए ऐसा जब लगता है लेकिन वह न मिलने पर हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन सब परमात्मा ही करते हैं ऐसा मान ले तो चिंता का कारण ही नहीं रहता। भगवान है ऐसा हम जरूर कहते हैं लेकिन क्या यह हमारा विश्वास सच्चा है? कोई आदमी जब डूबने लगता है तो उसके हाथ यदि पत्थर भी आ जाए तो उसे लगता है कि यह पत्थर मुझे डूबने से बचा लेगा और उसे पकड़कर वह खुद भी उसके साथ डूब जाता है। इसलिए कहता हूँ भगवान है ऐसा हमारा सच्चा विश्वास नहीं होता। हम केवल मुंह से कहते मात्र हैं, नहीं तो हमें चिंता क्यों होती? साक्षात भगवान भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तब भी हमारा पीछा करने वाली यह चिंता और ये सुख खत्म नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही ठोस नहीं है। सच पूछो तो परमेश्वर की इच्छा को यदि प्रमाण मान लिया तो फिर सुख दुख मानने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह जैसा मुझ में है वैसा ही दूसरे में भी है। अतः दूसरा मेरे साथ कुछ भी करे तो मुझे उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए हम ऐसी भावना रख कर बरते कि हम भगवान के हैं, वह हमारा रक्षक हैं और इसलिए कुछ भी हो जाए तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और यह सब नामस्मरण से सदता है। अतः मैं आज से निरंतर नामस्मरण करूँगा ऐसा निश्चय करना चाहिए और उस दृष्टि से प्रयत्न जारी रखना चाहिए। परमेश्वर की शरण जाकर मुझे ऐसा आचरण करने की बुद्धि दो, ऐसी उससे प्रार्थना करनी चाहिए। मन के साथ पहले पहले थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। छोटे बच्चे को स्कूल में भेजते समय शुरू में थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। बेटी को पहले पहले ससुराल भेजने में ऐसा ही करना पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में थोड़ा तो नियम के अनुसार आचरण करें। उदाहरण के लिए भोजन करने से पहले रात को सोते समय और सवेरे उठते ही नामस्मरण अवश्य करें। ऐसा यदि किया गया तो जीवन में वह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। गृहस्थी के लिए जो प्रयत्न जारी है उसे वैसा ही जारी रखे, लेकिन मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन हो ऐसा कहते रहे। मन में भगवान की आस रखने पर वह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और अंत में उसका पर्यवसान लगन में होगा। मान लो किसी आदमी को घर बनाना है तो वह क्या करता है? वह कहता है मुझे घर बनाना है और उसके लिए वह पैसे बचाता है। जेवर खरीदने या बनाने का मौका आया तो संयम करता है, मन से कहता है अरे घर बनाना है ना, तो पैसे बचाओ, क्योंकि उसके मन में घर की बात हमेशा स्मृति में रहती है। जैसी यह बात है वैसे ही भगवान मुझे चाहिए ऐसा केवल कहते रहने से भी मनुष्य गृहस्थी के उलझन में न अटक कर विषयों का भोग संयम से करेगा और जब भगवान के चरण कमलों की लगन लग जाएगी तब वह प्राप्त होने तक उसे चैन नहीं आएगा। आज का मुख्य विचार, जिसका भगवान पर विश्वास उसे संतोष खास। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.